हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। और मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि उसके पीछे कुछ रीज़न था। एक्चुअली मेरे कज़न ब्रदर है, उनका डेथ हो गया था, इसी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। उसके बाद उनका लास्ट सैटरडे को डेथ हुआ था। ऐसे सिचुएशन में तो वीडियो बनाना तो दूर की बात है, कुछ करने का मन भी नहीं होता, खाने पीने का भी मन नहीं होता, तो घर में सब दुखी थे तो इसी वजह से वीडियो भी नहीं बनाया। अजीब सा लगता है। फिर उसके बाद मैंने कोविड का वैक्सीन लिया था, उसी वजह से फीवर हो गई थी मुझे, तो उसी कारण भी मैं वीडियो नहीं बना पाई, उठने का भी मन नहीं हो रहा था। और दो दिन से तो मैं बेड में ही थी, सर इतना दुख रहा था, और जिस हाथ में इंजेक्शन लगा वो हाथ तो मैं मतलब हार्ट ही नहीं उठा पा रही थी, इतना भारी भारी जैसा लग रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, और उसी साइड टर्न करके भी नहीं सो पा रही थी। बहुत ही ख़तरनाक वाला इफ़ेक्ट हुआ मेरे बॉडी में। कुछ लोगों को हुआ है फीवर और कुछ लोगों को नहीं हुआ है, वो मतलब सब लोग तो एक जैसे नहीं हो सकते ना, कि किसी का बॉडी ऐसे रिएक्ट करते हैं और किसी का नहीं करते हैं। तो वैक्सीन बहुत ही ज़रूरी है, आप लोग प्लीज़ जाके ले लीजिए। ऐसा मत सोचिए कि वैक्सीन लेने से कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह से अभी कोरोना फैल रहा है, हमें वैक्सीन लेना ज़रूरी है, और बाहर जाने से मास्क पहनना ज़रूरी है, और बार बार हाथ को सैनिटाइज करना ज़रूरी है। तो मैंने अगर कुछ गलत बोला हो तो आई एम सो सॉरी। आप लोग प्लीज़ जाके वैक्सीन ले लीजिए। तो चलिए अभी दिखाते हैं कि क्या क्या है। चलिए ये देखिए गाइस, जो हमारे विंडो का ग्लास है ये टूट गया, पता नहीं कैसे, शायद किसी ने जानबूझ के किसी चीज़ फेंक के तोड़ा, या फिर अपने से हो गया, कुछ पता नहीं है। दिखने में अजीब सा लग रहा है, हमें कुछ पता नहीं रात के टाइम में हुआ या फिर दिन में किसी ने कुछ किया, या फिर जब हम घर में नहीं थे तब किया, कुछ पता नहीं है। क्या कर सकते हैं? और तो फिर आज मैं कहीं पे नहीं जा रही, यही घर पे, घर के आसपास हमारे किचन गार्डन वो सब दिखाने वाली हूँ। वैसे इतना कुछ खास तो है नहीं, बस ऐसे घर के लिए थोड़ा बहुत मेरे मम्मी पापा करते हैं, तो वही दिखाऊंगी आज। तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। और मैं इतने अच्छी ब्लॉगर भी नहीं हूँ, और वीडियो भी ठीक से नहीं बना पाती, एडिटिंग भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ इतना अच्छे से, मतलब जिसके लोग करते अच्छे से एडिटिंग करते हैं, इतना भी नहीं होता मुझसे। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और जो मिस्टेक होगा तो मुझे कमेंट करके बताएं नीचे कि कैसे करना चाहिए और कैसे क्या करना चाहिए, वो सब कमेंट करके बताएं। अगर अच्छे नहीं भी लगे तो भी थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए जो इस चैनल पर नए हैं। तो फिर चलिए हमारा किचन गार्डनिंग देखते हैं। तीन दिन से मैं बेड में पड़े रह के बहुत ही अजीब सा लग रहा था, सर भी और दुखने लगा। आज थोड़ा सा बाहर निकली, ये देखिए पीछे है उधर, ये हमारा पॉन्ड है, छोटा सा ही है, ज़्यादा पानी भी नहीं है। पर ये रही हमारे बेम्बू का पेड़, यहाँ पे छोटा छोटा बेम्बू है, देखिए। और उधर भी है हमारा ये वाला, वहाँ पे भी हमारा बेम्बू का पेड़ है, और वहाँ पे भी है इसके उस पार, वो भी हमारा ही है। यहाँ पे कुछ सब्जियाँ लगी है, साग है, इसको खा सकते हैं। और ये रही हमारी
इंडियन ओलिव और वाइल्ड ओलिव, शायद यही बोलते हैं इसको इंग्लिश में, जहाँ तक मुझे पता है यही बोलते हैं, और मुझे नहीं पता। बहुत सारे फूल आए हैं, कुछ महीने बाद इसका फ्रूट्स भी आ जाएगा। पेड़ बहुत बड़ा है, इधर भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर थोड़ा जंगल जैसा लग रहा है। ये देखिए बहुत सारे फूल, जो थोड़ा सा क्रीम कलर जैसा लग रहा होगा, ये इसका फूल है। कुछ महीने बाद इसका फ्रूट्स भी आ जाएगा। तो चलिए और भी दिखाती हूँ और क्या क्या है हमारे घर में। और ये देखिए हमारा पाइनएप्पल, शायद ये 7 to 10 days बाद खाने लायक बन जाएगा, आई मीन पक जाएगा। उधर भी है, देखिए उधर भी है, इधर एक है, बट इसको किसी ने खा लिया। देखिए आधा आधा खाए हुआ है, पता नहीं ये किसने किया। और उस साइड में भी है, उस साइड में थोड़ा जंगल जैसा लग रहा है, इधर से जाना पड़ेगा। या मच्छर काट रहे हैं मुझे। ये बहुत सालों से है, हर साल फ्रूट देता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 फ्रूट मिलता है। इस बार भी ऐसे कुछ है, 4-5-6 ऐसा कुछ होगा। तो इधर से जाके देखते हैं अभी। ये देखिए कितना सुंदर ऐसा, वो तो इतना ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा कोने में है। और इसके अंदर भी नहीं जा सकते क्योंकि इसका बहुत कांटा है ना, इसी वजह से। देखिए इधर है, ही माय ब्यूटीफुल पीस, वाई सो ब्यूटीफुल, और कलर कितना प्यारा है इसका देखिए। और ये देखिए, ये तो एकदम परफेक्ट है, वाह। ये ना एक साग है, इसको हम बॉईल करके खाते हैं, ये ऐसे तोड़ के यहाँ से इसको बॉईल करके खाते हैं। साग है, इसका नाम तो मुझे भी पता नहीं है। और बोलते हैं कि इसको खाने से ना जिनका बीपी हाई होता है वो मतलब नॉर्मल हो जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। मुझे भी इतना पता नहीं, जो घर के बड़े लोग बोल रहे हैं तो ऐसा ही होगा कुछ। ये हमारे घर के चारों तरफ लगाया हुआ है, इस साइड में भी है, उस साइड में भी है, बहुत सारे हैं हमारे घर में। अगर किसी को चाहिए होगा तो हमारे घर में आके ले सकते हैं। और ये देखिए हमारा कटहल, ओ ये इतना बड़ा है गाइस, देखिए, ओ माय गॉड। और ये तो दोनों पेड़ों के बीच में दब गया, देखिए। और ऊपर भी है, दिख भी नहीं रहा इतना। और ये देखिए कटहल के पेड़ के ऊपर ये है ऑर्किड, बहुत ऊपर है, इसी वजह से ठीक से नहीं दिखा पा रही क्योंकि मेरे हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच रहे, तो इतना ही दिखा पा रही, क्लियरली नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने जूम किया हुआ है। ये देखिए ये दूसरा वाला पेड़ है, इसमें पहले वाले से ज़्यादा कटहल है। ये देखिए ऊपर भी है बट ऊपर का दिखाई नहीं दे रहा। और ये रही है हमारी हल्दी,
हल्दी के पत्ते हैं ये, इसके नीचे आपको हल्दी मिलेगा। ये देखिए बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, अलग साइड में भी है। यहाँ पे सिर्फ इतना है, दूसरे साइड में भी है। और इसको ऐसे करने से, ये देखिए हल्दी, ओह का कलर कितना सुंदर है, ये इतना बड़ा नहीं हुआ अभी। ये देखिए छोटा सा ही है, इसके नीचे और भी होगा शायद, अभी तो खैर इसको लेना भी नहीं है तो इसको उखाड़ के क्या करें। इन सब के नीचे ऐसे ही होगा, धीरे धीरे और बड़ा होता जाएगा। इस साइड में भी है देखो, और अभी तो खाना भी नहीं है तो लेके कोई फ़ायदा नहीं, इसको यहीं पे बड़े होने देते हैं। और ये है पोमोग्रेनेट का पेड़, ये अभी बहुत छोटा है, बहुत टाइम लगेगा इसको फ्रूट देने में, ये बहुत ही छोटा है अभी। मौसमी का पेड़ है ये, देखते हैं इसका फ्रूट आया है कि नहीं। इधर एक है छोटा सा, अभी बहुत छोटा है, और नीचे नीचे है दो तीन, टोटल चार ही है, चार ही है टोटल, और नहीं है क्योंकि अभी बहुत छोटा है, फिर भी चार फ्रूट दिया है तो ठीक है। ये देखो कितना छोटा है। और ये है अदरक, ये सारे अदरक लगाया हुआ है यहाँ पे, देखिए इसके भी सेम ही है जैसे मैंने वो हल्दी का दिखाया था। इसके ऐसे नीचे खोदने से मिल जाएगा अदरक, वैसे अदरक हमें मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से निकाल के खाते हैं। बहुत सारे लगे हुए हैं, पूरा ये पूरा अदरक है। इधर भी मच्छर बहुत काट रहे यार, देखिए बहुत सारे हैं। और ये है छोटा छोटा बनाना ट्री, और इसके नीचे एक छोटा सा नदी है, ये देखो छोटा सा है, मैं ज़्यादा नज़दीक नहीं जा रही ताकि यहाँ पे खाए हैं नीचे गिरने का चांसेस है, तो मैं ज़्यादा किनारे पे नहीं जा रही हूँ। जंगल हो रखा है वैसे, बचपन में हम लोग यहाँ पे जाके नहाते थे। और ये रहे हमारे चकोतरा, और इस बार बहुत सारे फ्रूट्स लगे हैं। ये वाले जो चकोतरा है ना वो बहुत ही मीठा होता है, खाने में बहुत मज़ा है, और इसको अभी पकने में बहुत टाइम लगेगा, शायद दो तीन महीना, पता नहीं मुझे इतना आइडिया नहीं है। देखिए इतना सारा है, ऊपर भी बहुत सारे। देखिए हमसे कौन मिलने आया है, एक सुंदर सी तितली, वाओ ये ब्लैक डॉट डॉट आँखें जैसा लग रहा है। और ये रहे लॉन्ग बीन्स, इसको मम्मी ने जस्ट अभी तोड़ के लाई, और ये बहुत ही फ्रेश है, ऑर्गेनिक है, और मुझे तो ये बॉयल करके खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और ये तोरी भी है, ये भी हमारे घर का ही है, शायद इसको मम्मी आज लंच के लिए बनाएंगे, तो देखते हैं। ये भी बहुत ही फ्रेश है, ये देखिए गाइस, ये और एक टाइप का मशरूम है, वाओ बहुत सारे हैं, ओह माय गॉड ये तो बहुत सारे हैं,
वैसे मुझे पता नहीं है इसका नाम, ये इसको कौन सा मशरूम बोलते हैं। वाह बहुत सारे हैं ये थोड़ा सा बिग साइज़ है और ये मीडियम और ये छोटा छोटा है। फूल जैसा लग रहा है। वाह यहाँ पे तो बहुत सारे हैं। वो अब इसको मैं तोड़ के घर ले जाऊंगी। ये देखिए कितना सारा है, देखो कितना सुंदर लग रहा है। वाओ वैसे ये नारियल का पेड़ है, वे मम्मी ने बुलाया ये तोड़ने के लिए, तो अभी मैं इसको तोड़ के घर ले जाऊंगी। ये देखिए गाइस और एक टाइप का मशरूम भी मिल गया, इसको ब्लैक मशरूम बोलते हैं। हालांकि ये ब्लैक कलर का नहीं है बट कुछ दिन बाद ब्लैक हो जाते, ये थोड़ा सा जेली जैसा है और ये भी पेड़ में ही उगते हैं। और ये एक अमरूद का पेड़ था, ये मर गया तो अभी इसके ऊपर ये मशरूम हुआ है। देखिए कलर भी कितना प्यारा सा है। ये देखिए मैं तोड़ के लाई अभी ब्लैक मशरूम। वाओ इसको खाने में बहुत मज़ा है सच में। ये देखिए गाइस इसको किंग चिली बोलते हैं और इसको नागा चिली भी बोलते हैं और राजा मिर्चा भी बोलते हैं। ये दुनिया का सबसे तीखा मिर्ची है, मैं तो इसको खा ही नहीं सकती गाइस, ये खाने से मेरे तो हालत ही ख़राब हो जाती है। ये बहुत सारे लगे हैं अभी, एकदम नीचे से हैं ये देखिए, और थोड़ा मिट्टी भी लगी है क्योंकि बारिश हो रखी है इसीलिए। ये और एक टाइप का मिर्ची है, ये साइज में थोड़ा छोटा छोटा है बट बहुत तीखा है गाइस, सच में बोल रही हूँ मैं तो ये खा ही नहीं सकती, ये खाने से मेरा हालत पतली हो जाती है इसलिए मैं इसको टच भी नहीं करती। ये ड्रैगन फ्रूट है, इसको यहाँ से अभी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा कहीं और, अगर ये यहाँ पे रखेंगे तो ये जल्दी बड़ा नहीं हो पाएगा। और ये देखिए हमारे नींबू का पेड़, और ये अभी काफ़ी छोटा है, ये खाने लायक नहीं हुआ अभी, देखिए छोटा छोटा है। और ये है दूसरा नींबू का पेड़, इसमें थोड़ा जंगल हो रखा है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा बट ये थोड़ा जूसी है, इसको खा सकते हैं अभी। ये देखिए नीचे है, जंगल हो रखा है, मुझे सांप से डर लगता है, ये देखिए सांप भी हो सकता है इसीलिए डर लगता है। पीछे तरफ बहुत है बट पीछे नहीं जा सकती, मुझे सांप से डर लगता है। ये देखिए वाओ ये बहुत जूसी है। हेलो देखो ये छोटे छोटे की मम्मी के ऊपर चढ़ के बैठे हैं, सो क्यूट। मम्मी भाग गई अभी, देखो देखो ये चुपके से चल के घर की तरफ जा रहे हैं, शायद इसको भी भूख लगी। ओए बाहर जाओ अभी खाना देती हूँ, देखो गला भी लंबा कर रहे हैं। और ये रहे हमारे पेड़ का बिग साइज आम, ये देखिए ये कितना बड़ा है, और ये अभी कच्चा है तो इसको भी रख देंगे ऐसे ही, जब पक जाएगा तब खाएंगे।
सो गाइस, आज के लिए मेरे ब्लॉग यही तक है। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और जो मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।